अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। हमारे साथ हमारे खास मेहमान हर्षवर्धन रूंगटा आज स्टूडियो में मौजूद हैं। लेते हैं पहला सवाल। राजकोट से मितेश सोलंकी जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। मितेश नमस्कार, क्या सवाल है आपका? हाँ गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। अभी मेरे तो 2 महीने पहले मेरे यहाँ पे एक बॉय का जन्म हुआ है। ठीक है, उसके लिए मेरे को प्लानिंग करना है। एट द एज ऑफ 15 आई नीड 50 लाख रुपीज। अच्छा, उसके एजुकेशन के लिए। एट द एज ऑफ 20 आई नीड अनदर 50 जी। एट द एज ऑफ 20 आई नीड अनदर 50। हाँ जी हाँ जी। एंड एट द एज ऑफ 25 आई नीड अनदर 50। सो टोटल इट इज 1.5 करोड़। जी जी जी। एट द एज ऑफ 15, 20 and 25। सो हाउ मच अमाउंट शुड आई इन्वेस्ट इन SIP? ओके, अभी तक आपकी कोई और इन्वेस्टमेंट तो नहीं है ना? नहीं अभी नहीं है, एक्चुअली मेरा जो प्लानिंग फिर कोई भी नहीं है। अच्छा, और कहीं पर भी मेरा लोन वगैरह कुछ भी नहीं है। बहुत बढ़िया। चलिए जानते हैं हमारे मेहमान हर्षवर्धन रूंगटा से कि मितेश को कितना पैसा निवेश करने की जरूरत होगी सभी टारगेट्स को पूरा करने के लिए। हर्ष, वेल मितेश जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने बेटे का जन्म होते ही आपने इन्वेस्टमेंट करने की सोच ली है। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो हम दूसरे दर्शकों को भी देना चाहेंगे कि आपको जैसे आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आ जाती है आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। वेल मितेश, मैं आपके सवाल को 2 हिस्से में बताऊंगा। पहला हिस्सा जो आपका सवाल है उसको आंसर करेंगे कि आप नॉर्मली अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं तो आपको एक एसेट एलोकेशन प्लान बनाना चाहिए। बट चूंकि आपने एक सिंपल सा एक आपका टारगेट बेस्ड सेविंग्स है, हम आपके इसी ऑब्जेक्टिव को माइंड में रखते हुए मैं आपको सजेस्ट करता हूं आप हर महीने का 12,500 रुपीज आपको इन्वेस्ट करना होगा अगर आपको ये टारगेट अपना मीट करना है। तो इसे आप 3 फंड में ब्रेकअप कर लीजिए। एक 4,500 रुपीज आप HDFC का चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड है इन्वेस्टमेंट प्लान ऑप्शन, उसमें इन्वेस्ट करिए। इसमें एक और ऑप्शन आपके पास है कि आप चाहे तो इसे लॉक इन या नॉन लॉक इन ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर आप लॉक इन करते हैं तो आपके बेटे की 18 साल की उम्र तक उसमें से पैसे आप निकाल नहीं पाएंगे। दूसरा फंड चूज करिए UTI डिविडेंड यील्ड फंड, और तीसरा है IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड। इनमें आप 4,000 रुपया इन्वेस्ट करिए तो टोटल आपका 12,500 रुपीज हो जाएगा। वंस इन 3 ईयर्स आप अपना पोर्टफोलियो को एक बार इवेल्युएट कर लीजिएगा और परफॉर्मेंस देख लीजिएगा। लेकिन HDFC चिल्ड्रंस फंड, चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड जो है उसमें आप लगातार कंटिन्यूअस टिल द एंड ऑफ द पीरियड इन्वेस्ट करिए। किस तरह का फंड है ये चिल्ड्रन गिफ्ट फंड? नाम से समझ में आ रहा है लेकिन ये प्रॉपर म्यूचुअल फंड की स्कीम है? जी हाँ, ये एक प्रॉपर म्यूचुअल फंड की स्कीम है। इनमें एक 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान और सेविंग्स प्लान। अच्छा। आपकी रिस्क एपेटाइट जिस प्रकार हो, जो इन्वेस्टमेंट प्लान है उसमें करीबन 75% तक आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा। और बाकी डेट में इन्वेस्ट होता है। और दूसरा जो सेविंग्स प्लान है उसमें आप एकदम रिवर्स हो जाता है, अबाउट 75% डेट में होता है, 25% इक्विटी में। अच्छा अच्छा। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इनफैक्ट अभी ये त्योहार का मौसम आने ही वाला है, आप गिफ्टिंग ऑप्शंस जो सिलेक्ट करते हैं उसमें आप ये जो कभी ग्रैंड पेरेंट्स अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को गिफ्ट देते हैं, आप अपने बच्चों को जो गिफ्ट देना चाहते हैं, आप फिजिकल उन्हें कोई कमोडिटी देने के बजाय आप इसमें इन्वेस्ट करके आप अगर देते हैं तो ये पैसा ग्रो भी काफी अच्छी है। तो बहुत ही इंटेलिजेंट आइडिया, लेकिन हर जिन लोग गिफ्ट मिलता है उन्हें कुछ सामने चाहिए होता है, ऐसे में कोई फंड ऑप्शन, कोई फंड गिफ्ट करे तो बच्चे थोड़े डिसअपॉइंट हो जाते हैं। लेकिन वेल बात है, बहुत ही इंटेलिजेंट आइडिया ये। और हमने ये भी नोटिस किया है कि आजकल फंड हाउस जो अपने प्लान्स लॉन्च करते हैं, NFOs लाते हैं, नाम ऐसा रखा है ताकि वो किसी गोल से रिलेट कर सके एक इन्वेस्टर। पहले ये ऐसा नहीं था, पहले नॉर्मली हम किसी भी थीम बेस्ड या फिर उस तरह के नाम देखते थे फंड्स के। Absolutely. लेकिन फिडेलिटी ने भी ऐसा कुछ किया था, कुछ दिनों पहले उन्होंने फंड लॉन्च किया था जिसमें उन्होंने एज के हिसाब से, नीड के और गोल के हिसाब से उस फंड में डिविजन लगाया था। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है फंड्स को भी लॉन्च करने का और उसको मार्केट में पोजिशन करने का। तो मितेश जी, आपको हर महीने 12,500 रुपए के आसपास निवेश करना होगा, अभी पॉसिबल है इतना आपके लिए? हाँ, आराम से पॉसिबल है मैम। तो अगर आराम से पॉसिबल है तो सोचिए मत, बस शुरू कर दीजिए। फंड्स के नाम स्क्रीन पर आपके सामने एक बार फिर से हम दिखाने की कोशिश करते हैं, मैं पढ़ भी देती हूँ। HDFC का चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड,
यूटीआई डिविडेंड यील्ड फंड और आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी फंड। हर्ष, आप कुछ कहना चाहते हैं? वेल, एक दूसरी चीज मैं इन्हें सजेस्ट करना चाह रहा था कि अब क्योंकि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, मितेश, आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी भी खरीदने की सोचिए, क्योंकि आपको यू नो आपके डिपेंडेंट्स हैं, आप जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो आपकी इनकम से करने वाले हैं। अगर खुदा ना खास्ता आपको अगर कुछ हो जाता है तो आप ये 12,500 रुपया इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो कॉर्पस और जो टारगेट आपका अचीव करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। तो आपको एक इंश्योरेंस पॉलिसी टर्म प्लान के तौर पर आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए और उसे भी आपको लेना चाहिए। ऑलराइट, चलिए लेते हैं अगला सवाल। दिल्ली से सौरभ पाहुजा हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर, साथ ही आप झलकियां भी देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज स्टोरी बोर्ड कंज्यूमर अवार्ड 2011 की। अभी फंक्शन शुरू होने ही वाला है, गेस्ट ऑलमोस्ट सारे पहुंच गए हैं, वहां पर आपको वापस लेकर जाएंगे और दिखाएंगे कि और बताएंगे भी साथ में कि किस किस ब्रांड्स को कंज्यूमर ने सम्मानित किया है, जो ऐसे कौन से ब्रांड्स हैं जिन्हें कंज्यूमर दिल से बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। उसके पहले लेते हैं सौरभ पाहुजा का सवाल। सौरभ नमस्कार, क्या सवाल है आपका? हेलो मैम, मेरा नाम सौरभ है जी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको थैंक करना चाहता हूँ कि आपने मेरी कॉल ली जी, और आप जो काफी फेमस है और Okay, सौरभ की आवाज यहाँ पर कट के आ रही है। उनका सवाल जो उन्होंने ईमेल किया था, बेसिकली सौरभ गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं हर्ष, और जानना चाहते हैं कि गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड सेविंग फंड में क्या डिफरेंस है, दोनों के एक्सपेंस रेशियो किस तरीके के होते हैं और दोनों में क्या बेहतर होगा। गोल्ड सेविंग फंड में भी अगर जाते हैं तो उसमें रिलायंस का गोल्ड सेविंग फंड या फिर एचडीएफसी गोल्ड फंड। वेल सौरभ, गोल्ड में आपको इन्वेस्ट करने के चार तरीके हैं, जिसमें से आपने दो सिलेक्ट किया, एक है फिजिकल गोल्ड, एक है गोल्ड ईटीएफ, एक गोल्ड सेविंग्स फंड और एक ई गोल्ड। सो नेवरदलेस, अगर आप गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गोल्ड ईटीएफ का ये मीनिंग है कि आपको एक्सचेंज पे आके उसे खरीदना होगा, एक ब्रोकर के थ्रू रजिस्टर करके आपको डायरेक्ट एक्सचेंज से खरीदना होगा, बेचना भी आपको एक्सचेंज पे ही होगा। गोल्ड फंड ये है कि आप अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, ब्रोकर के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आप गोल्ड फंड में इन्वेस्ट करते हैं। हर म्यूचुअल फंड की तरह जब आप इन्वेस्ट करते हैं, आप म्यूचुअल फंड को पैसे देते हैं, वो जाके गोल्ड ईटीएफ खरीदते हैं आपके बिहाफ में। तो ऑब्वियसली ये दो लेयर है, तो आपको गोल्ड फंड में, गोल्ड सेविंग्स फंड में थोड़ा खर्चा ज्यादा लगेगा, वो करीबन 1.5 से 1.75% की रेंज में होता है, गोल्ड ईटीएफ में 1% और गोल्ड सेविंग्स फंड का 0.5 से 0.75%। तो आप गोल्ड सेविंग्स फंड में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एचडीएफसी का चूज कर सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं, विजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विजय, क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम, मैं एक न्यू इन्वेस्टर हूँ, आप ये भी मैंने म्यूचुअल फंड में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया है, और मैंने दो डीएसपी दो फंड में अपना एसआईपी डाला हुआ है। अच्छा, ऑलरेडी अभी 1 ईयर हुआ है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी मैंने जो डाला है दो फंड, वेदर दे आर उसके जो उसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा आगे चलते हुए, आप ये जानना चाहते हैं, राइट? और दो और इक्विटी बेस्ड फंड का रिकमेंडेशन चाहता हूँ। ओके, ऑलराइट, दो फंड है पोर्टफोलियो में, डीएसपी ब्लैक रॉक इक्विटी फंड और डीएसपी ब्लैक रॉक फोकस 25 फंड। कैसा रहेगा दोनों का परफॉर्मेंस आगे चलते हुए? वेल विजय, डीएसपी एक अच्छा फंड मैनेजर है, तो आप और आपने जो स्कीम्स भी चूज की हैं वो भी अच्छी स्कीम्स हैं, आप बेफिक्र होकर उसमें कंटिन्यू रखिए। सिर्फ एक ध्यान रखिए कि आपका सवाल एक राइट टाइम पे आया है, लेकिन आगे जाते वक्त आप ये ध्यान रखिएगा कि आपके सामने बहुत सारी स्कीम्स के नाम आएंगे, लेकिन अगर आपकी स्कीम अच्छी है और उसका परफॉर्मेंस अच्छा मिल रहा है तो आप 5 फंड्स के ऊपर कभी भी मत जाइएगा। जो भी आपका पोर्टफोलियो वो आप नेक्स्ट 2 इयर्स तक कंटिन्यू रखिए, 3 इयर्स जब आपका टोटल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एक बार आप रिव्यू कर लीजिएगा। और आपका दूसरा सवाल था कि आपको एडिशनली और इन्वेस्ट करना है, तो आपके माइंड में है जो आपको इन्वेस्ट करना है? आप है हमारे साथ विजय लाइन पे? हाँ विजय, थाउजेंड रुपए एसआईपी और दो इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मतलब 2,000 आप चाहते हैं और निवेश करना? यस ओके। वेल विजय, आप एक ऑप्शन आपके पास है कि आप एग्जिस्टिंग फंड में ऐड कर लीजिए, अगर आपको फिर भी, क्योंकि आपके पास स्कोप है अभी, तो आप दो फंड और अपने स्कीम में अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं, एक आप एचडीएफसी इक्विटी फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं, दूसरा यूटीआई डिविडेंड यील्ड फंड, आप ये दो अपने पोर्टफोलियो में और ऐड कन्वीनियंटली कर सकते हैं, लेकिन फिर 5 के ऊपर कभी आगे मत जाइएगा।
चलिए अगला सवाल लेते हैं। पीएस गणेशन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। गणेशन जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? ठीक है जी। हाँ जी, हेलो, अपना सवाल पूछिए गणेशन जी। हाँ, मैंने एक ईमेल भेजा था, उसमें कई वर्ल्ड के नाम लिखा था। हाँ हाँ, उसको क्या होल्ड करूँ और भेजूँ और रिसिप्ट करो? गणेशन जी आप, आपका एसआईपी होल्ड कर रहा हूँ। ओके, आपका एसआईपी चल रहा है या फिर आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया है इन सारे फंड्स में? ये तो मेरे रिटायरमेंट बेनिफिट से है, मेरे रिटायरमेंट के पैसे में लगाया है। अच्छा, आपने रिटायरमेंट किया, आपकी उम्र क्या है गणेशन जी? 62। ओके, और कुल कितना पैसा लगाया हुआ आपने इन पूरे फंड्स में? अजी? कितना निवेश किया है आपने गणेशन जी? ये 2-3 साल हो गया मुझे। नहीं, कितना अमाउंट, कितना रुपया? हेलो, हाँ हाँ जी, आपको 2-3 साल पहले लगाया था। चलिए ठीक है, 20 फंड्स है, 62 साल की उम्र है और मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा रिसर्च किया गया है फंड चुनने के पहले। हर्ष, इसे अगर कम करना हो तो कितने फंड्स इसमें से निकलेंगे और कितने फंड्स होने चाहिए और कौन कौन से? वेल, आइडियली गणेशन जी आपको मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप एक फाइनेंशियल प्लानर से मिलिए पहले, क्योंकि आई डोंट नो कि आपको अगर इक्विटी में इन्वेस्टेड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पहली बात तो वो भी आई डोंट नो। बट अगर हम ये देख रहे हैं कि एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है और ये मान के चल रहे हैं कि आपको इक्विटी में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं क्योंकि आपका डेट का पोर्टफोलियो भी है, तो उसमें मैं आपको एक बहुत ही शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि आपको 5 फंड मैं इन 20 फंड्स में से सिलेक्ट करके दूंगा, जिनमें आप अपने बाकी सब होल्डिंग्स को कंसोलिडेट कर लीजिए। आप ये फंड्स के नाम चाहिए तो लिख लीजिए, या तो ये शो रिपीट भी होगा तो आप उस समय अपना ये फंड्स के नाम गौर से ध्यान रख के ले लीजिएगा। आपके बिरला डिविडेंड यील्ड फंड आप एक रिटेन करिए आपके पोर्टफोलियो में, डीएसपी ब्लैक रॉक टॉप 100, एचडीएफसी टॉप 200, आईसीआईसीआई डायनेमिक फंड और टाटा इक्विटी पीई फंड, ये 5 फंड आपको अपने 20 के जो पोर्टफोलियो है उसमें से रिटेन करने हैं। अभी बाकी के जो फंड्स हैं, अगर एक ही फंड हाउस के हैं, जैसे एचडीएफसी में आपके शायद 4 या 5 स्कीम्स में है, आप स्विच करके एचडीएफसी टॉप 200 में कर लीजिए। अब जो रिलायंस, एसबीआई और आईडीएफसी, इन जो सम फंड्स में आपका इन्वेस्टमेंट है, उसे आप रिडीम करिए और तुरंत आप उसी दिन या अगले दिन आप उसे बाकी जो आपके 5 फंड सिलेक्ट किए गए उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। तो कहीं अगर आपका लॉस हो भी रहा होगा तो आप डायरेक्टली इक्विटी में इन्वेस्टेड हो ही रहे हैं वापस। तो इस प्रकार आपका पोर्टफोलियो थोड़ा ट्रिम हो जाएगा और ये आपके लिए गोइंग फर्दर शुड बी मच बेटर टू डू। आपका 1 साल के ऊपर सारे इन्वेस्टमेंट है तो आपको एग्जिट लोड और कोई टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं होगा, तो आप ये रीशफलिंग अपने पोर्टफोलियो में कर सकते हैं। गणेशन जी आप हैं हमारे साथ और बताएंगे जी, तो आप अपना जो 20 फंड है आपके पोर्टफोलियो में उसमें से आप सिर्फ 5 रखिए तो आपके लिए बेहतर होगा। गणेशन जी जो फंड्स के नाम है हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आपको, बस वही 5 फंड में बने रहिए, बाकी सब फंड से पैसे निकाल के जो एक ही फंड हाउस का फंड है उसमें आप जाके पूरे पैसे डालिए। और हमारी एक सलाह है आपको, क्योंकि आपकी उम्र बहुत ज्यादा है, इस वक्त आप कितना रिस्क ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं हम ये यहाँ से बैठे बैठे उसको हम चेक नहीं कर सकते। आप किसी फाइनेंशियल प्लानर से जरूर पर्सनली जाके मिलिए और एक बार वहां भी अपना पोर्टफोलियो चेक करवाइए और उसको वापस से थोड़ा सा ट्रिम करके छोटा रखिए, बहुत ज्यादा फैलाने की जरूरत नहीं है अपने पोर्टफोलियो को। गणेशन जी फिलहाल योर मनी में आज इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए।